रोहतास जिला की पैदल यात्रा जारी, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक हो रही है। इस वक्त ये देखिए ब्रेकिंग न्यूज, आपको बता दें कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के तहत बैठक, बड़ी खबर इस वक्त देखिए आपको बता रहे हैं। अभियान के तहत कोटा और भरतपुर संभाग की बैठक हो रही है, 7 को कोटा संभाग, 8 जनवरी को भरतपुर संभाग की बैठक। तो बीसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, सीएम गहलोत कोटा संभाग की बैठक में हो सकते हैं शामिल, बड़ी खबर देखिए आपको बता रहे हैं। जहां पर आज जो हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर यहां पर बैठक, कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान देखिए लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज ये बैठक अहम, अभियान के तहत कोटा और भरतपुर संभाग की बैठक, इस बैठक को लेकर तैयारियां, 7 को कोटा संभाग और 8 को भरतपुर संभाग की बैठक। पीसीसी प्रभारी सुखजिंदर रंधावा, पीसीसी चीफ डोटासरा रहेंगे मौजूद। तो सीएम गहलोत कोटा संभाग की बैठक में हो सकते हैं शामिल, कहा जा रहा है कि सीएम गहलोत भी पहुंच सकते हैं, इस बैठक का हिस्सा बन सकते हैं, कोटा संभाग की बैठक में जुड़ सकते हैं। कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान तेजी के साथ आगे बढ़ता, उसको और कैसे सफल बनाना, कैसे आगे तक ले जाना है, इसको लेकर देखिए अहम बैठक। अभियान के तहत कोटा और भरतपुर संभाग की बैठक होगी, इसमें सीएम गहलोत भी जुड़ सकते हैं, कहा जा रहा है कि कोटा संभाग की बैठक का वो हिस्सा बन सकते हैं। कांग्रेस की ये बड़ी यात्रा, इसको देखिए आगे रफ्तार देते नजर आ रहे हैं कांग्रेसी। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई डोटासरा की, जो कि 15 किलोमीटर सफर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और रहमतुल्ला हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। रहमतुल्ला, देखिए एक तरफ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को डोटासरा धार देते दिख रहे हैं, वहीं अब एक और खबर ये कि 7 और 8 को बैठक होगी संभाग की, लेकिन इसमें सीएम गहलोत भी आ सकते हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है अभी तक इस बैठक को लेकर? बिल्कुल, हाथ से हाथ जोड़ अभियान के तहत कांग्रेस लगातार पूरे प्रदेश भर में जो है कार्यक्रम कर रही है। 7 जनवरी को कोटा संभाग में और 8 जनवरी को भरतपुर संभाग में कार्यक्रम होगा। पीसीसी प्रभारी सुखजेंद्र सिंह रंधावा, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। उसके अलावा कार्यक्रम सीएम का भी बन रहा है, सीएम 7 जनवरी को कोटा जा सकते हैं और कोटा की जो बैठक होगी, हाथ से हाथ जोड़ अभियान के जो बैठक होगी उसमें भाग ले सकते हैं। इस हाथ से हाथ जोड़ अभियान से जन संवाद करेंगे, ये क्षेत्र में जाकर के पैदल यात्रा भी आगे से निकालेंगे। ये फिलहाल संभागवाइज बैठक है, उस बैठक में तमाम जो संभाग के मंत्री है, जो संभाग के विधायक है, संभाग के बड़े नेता है, कार्यकर्ता है, पीसीसी मेंबर है, वो मौजूद रहेंगे। ठीक है, और देखिए इस बैठक में यहाँ पर क्योंकि अभी एक तस्वीर हमने दिखाई जो कि जो शुरू है इस हाथ से जुड़ी यात्रा की, डोटासरा के नेतृत्व में वो यात्रा आगे बढ़ भी रही है, ऐसे में ये दोनों बैठकें जो होंगी इसमें किस तरीके से इस हाथ से जुड़ अभियान को लेकर और नई तरीके से दिशा दिशा में काम करने के लिए बातें कही जा सकती है, क्या कुछ नया हो सकता है? देखिए, जो ये हाथ से हाथ जोड़ अभियान के तहत जो भी यात्राएं हैं इसमें सीधा सीधा सबका एक ही टारगेट है, एक ही उद्देश्य है, जन संवाद करना, जनता की समस्याओं को सुनना, जनता की समस्याओं का समाधान करना। उसके अलावा राजस्थान सरकार की जो योजना है, जन कल्याण योजना है, उनको जनता तक पहुंचाना, उसका फायदा जो है जनता तक पहुंचे, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो ये हाथ से हाथ जोड़ अभियान है, 26 जनवरी 2023 से शुरू हुआ है और मार्च तक ये चलेगा, 2 महीने का अभियान है। प्रत्येक दिन हर महीने के एक दिन मंत्री विधायक अपने क्षेत्र में पैदल चलेंगे। आज गोविंद सिंह डोटासरा जिस प्रकार से अपने लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पैदल चल रहे हैं, तो ये जो जन 7 और 8 जनवरी को कोटा भरतपुर संभाग में बैठा गया, ये इसी अभियान से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के चर्चा करेगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रहमतुल्ला, बहुत इन तमाम जानकारी के लिए।